हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो कि फ्रेसेस की वीडियो है। इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये फ्रेसेस एंड प्रोवर्ब्स की वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो 90% हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इंग्लिश को लेकर। तो सबसे पहला जो फ्रेस है, जो सबसे पहला जो प्रोवर्ब्स है वो है एन एम्प्टी वेजल्स साउंड मच। एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, वेजल्स का मतलब होता है बर्तन और एम्प्टी यानी खाली, तो खाली बर्तन जो है वो ज़्यादा शोर मचाता है या ज़्यादा आवाज़ करता है। इस तरह कहावत बोली जाती है, इस तरह प्रोवर्ब बोला जाता है, एन एम्प्टी वेजल साउंड मच, यानी खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है। इसके बाद का जो सेकेंड हमारा प्रोवर्ब्स है वो है गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड यानी आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, यानी इस तरह बोला जाएगा गुड माइंड गुड फाइंड। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना और डॉग यानी कुत्ता, सेल्डम यानी कभी कभार और बाइट्स यानी काटना, यानी जो कुत्ता भौंकता है वो कभी कभार ही काटता है। तो इसे हम इस तरह बोल सकते हैं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इस तरह बोला जा सकता है। इसके बाद का चौथा जो फ्रेस है, जो चौथा प्रोवर्ब है वो है एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल द एविल्स। एवरेज इज़ द रूट्स ऑफ ऑल एविल। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, लालच को हम एवेरिस बोलते हैं, एवेरिस मतलब लालच। तो लालच जो है वो रूट है, रूट यानी जड़ है ऑफ ऑल द एविल्स। एविल्स का मतलब होता है बुराई, यानी लालच बुरी बला है। इसके बाद का जो नेक्स्ट फ्रेस है हमारा वो है पांचवा, ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, यानी ड्रॉनिंग का मतलब होता है डूबना और मैन का मतलब होता है आदमी और कैचेस एट स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी सहारा। तो ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ यानी डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, इस तरह हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट फ्रेस है वो है एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी जैसा बादशाह वैसी रियाया, इस तरह हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद का जो सातवां फ्रेस है हमारा वो है हनी टंग अ हार्ट ऑफ गेल। हनी टंग अ हार्ट ऑफ गेल, यानी बगल में छुरा शहर में ढिंडोरा, बगल में छुरा शहर में ढिंडोरा, इस तरह इसे बोल सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप का मतलब होता है कतरा, इन द ओशन, ओशन यानी समंदर, यानी समंदर में एक कतरा, तो इसे हम इस तरह मतलब निकाल सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेस है हमारा अ नाइन डे ऑफ वंडर्स। अ नाइन डे ऑफ वंडर्स यानी चार दिन की चांदनी, चार दिन की चांदनी को हम बोल सकते हैं नाइन डेज ऑफ वंडर्स ऑफ वंडर। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा डू गुड एंड फॉरगेट इट। डू गुड एंड फॉरगेट इट, डू का मतलब होता है करना, गुड यानी अच्छा, कोई अच्छा काम करो एंड फॉरगेट इट यानी इसे भूल जाओ, तो इसका मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह बोल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड यानी लोहे को लोहा काटता है। डायमंड का वैसे मतलब होता है हीरा और कट यानी काटना, तो इससे मतलब निकाल सकते हैं हम लोहे को लोहा काटता है। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा वंस बीटन ट्वाइस शाय। वंस बीटन, वंस यानी एक बार और बीटन यानी पीट जाना या मतलब मारे जाना, तो वंस बीटन ट्वाइस शाय, एक बार पीटे गए तो मतलब फिर शर्मा, दो बार शर्माया जाता है, यानी दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है, इस तरह हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट फ्रेस है हाफ नॉलेज। हाफ़ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, यानी अधूरा इल्म जो होता है वो ख़तरनाक होता है। हाफ़ नॉलेज यानी आधा, आधा नॉलेज, आधा इल्म जो है तो डेंजरस थिंग होता है। डेंजरस मतलब ख़तरनाक, अधूरा इल्म ख़तरनाक होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, इसे इस तरह बोला जा सकता है। उसके बाद का
पंद्रहवा फ्रेज है, पंद्रहवा प्रोवर्ब है हमारा, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर्स। ग्रास का मतलब होता है घास, और ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ, और ऑलवेज यानी हमेशा, लुक यानी दिखना, ग्रीनर यानी हरा भरा। तो इसे हम मतलब निकाल सकते हैं कि दूर से पहाड़ खूबसूरत दिखता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है या नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम हिज टूल। बैड वर्कमैन, बैड का मतलब होता है खराब, और वर्कमैन यानी आदमी या मजदूर। ब्लेम, ब्लेम यानी मतलब इल्ज़ाम लगाना, हिज टूल्स यानी उसके टूल्स को, औजार को, मतलब जो है इसका मतलब ऐसा निकाल सकते हैं, नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। जब किसी बंदे को कोई काम ना करते आए तो वो अपने मतलब अपने हथियार को या औजार को जो है तो गलत ठहराता है, या मतलब अपने सोर्स को गलत ठहराता है, इस तरह इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब और फ्रेज है हमारा ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल का मतलब होता है सब, और ग्लिटर यानी चमकने वाला, और गोल्ड का मतलब होता है सोना, यानी इसका मतलब होगा हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। इसके बाद में 19वां है द पॉट इज कॉलिंग कैटल इज ब्लैक, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो पॉट का मतलब होता है बर्तन, और कैटल यानी केटली इज ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो बर्तन है वो केटली को काला बोलता है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, इस तरह से इस तरह इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, नेक्स्ट प्रोवर्ब है एज यू सो सो शॉल यू रीप। एज यू सो सो शॉल यू रीप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है हमारा थिंक ऑफ द डेविल, यानी डेविल के बारे में सोचा, एंड डेविल इज हेयर, और डेविल यहाँ है, यानी इसका मतलब है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ओवर द शूज़, ओवर द शूज़ ओवर द बूट्स, यानी मतलब ओखली में सर डाले तो मुसल से क्या डरना, ओखली में सर डाले तो मुसल से क्या डरना, इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का 23वां फ्रेज है हमारा लाइंग पियल्स बिफोर स्वाइन। लाइंग का मतलब होता है रहना, और पियल्स यानी मोती, और बिफोर यानी के सामने, और स्वाइन का मतलब होता है सुअर, यानी सुअर के सामने अगर मोती ठहरा है तो इसका कोई मायने नहीं है, ऐसे ही इसका मतलब निकाल सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, नेक्स्ट प्रोवर्ब है वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा, यानी पेट में चूहे दौड़ना, इस तरह इसका मतलब निकाल सकते हैं। 25वां जो प्रोवर्ब है हमारा वो इट्स नेवर लेट, नेवर टू लेट टू लर्न, यानी जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, यानी सीखने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी इसका मतलब होगा किसी को कम मत आंको, यानी किसी बुक को हम इसके कवर से मतलब आंक नहीं सकते, कवर से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा किल द बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल यानी मारना, बर्ड्स यानी परिंदे, विथ वन स्टोन यानी एक एक स्टोन से, एक पत्थर से, यानी एक तीर में दो शिकार करना, इसका मतलब निकाल सकते। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा अ बैड मैन इज़ बेटर देन अ बैड नेम, यानी बैड मैन, बैड मैन बोले तो ख़राब आदमी, इज़ बेटर देन अच्छा होता है अ बैड नेम, यानी ख़राब नाम से, यानी बद अच्छा, बदनाम बुरा, इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स ऑल कंपेनियन, यानी एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इस तरह इसका मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा वो है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, या नीड यानी ज़रूरत, और ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजावट, यानी खूबसूरती को सजावट की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।